स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द राज रोशन व्लॉग्स में। सो दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ पटना के इतवारपुर में, जो कि बिहार का सबसे ऊंचा यहाँ पे पंडाल लगता है और हर साल लगता है और इस साल भी लगा हुआ है। तो आज के इस व्लॉग में हम आप सभी को यही दिखाने के लिए आए हुए हैं। तो हमारे पीछे का आप लोग पंडाल का लुक चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। ये हमारे पीछे जो पंडाल दिख रहा है, क्या फिर आया गया है, बिहार का सबसे ऊँचा पंडाल है ये, पटना के इतवारपुर में लगता है। और यहाँ पर आप पंडाल का जो है लुक देख सकते हो, आगे से क्या खतरनाक लग रहा है। हूँ अभी पटना के इतवारपुर में हूँ और पटना के इतवारपुर में लगता है बिहार का सबसे ऊंचा पंडाल। और मैं हूँ अभी पटना के इतवारपुर में, देखो मैं अभी जस्ट रोड के अपोजिट साइड यहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ। और हमारे अपोजिट साइड देखो, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो देखिए, यहाँ पर जो है पटना के इतवारपुर में सबसे ऊँचा यहाँ पर पंडाल लगता है, जो कि बिहार का सबसे ऊँचा पंडाल है ये। और लोगों का यहाँ पर आप लोग भीड़ दोस्तों चेकआउट कर सकते हो कि लोगों का यहाँ पे देखने के लिए, देखो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं और भी जो है काम वगैरह चल रहा है, यहाँ पे डीजे वगैरह जो है लगाया जा रहा है, साथ में एक इस साइड जो है डीजे वगैरह लगाया जा रहा है। और बाकी दूर दूर से जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं और आकर रुक रुक कर जो है एक झलक देखिए जरूर ऐसे अंकल के तरफ, इस पंडाल को एक झलक जरूर देख रहे हैं। ऐसे ऐसे अंकल देखिए, एक और अंकल आए रुके रुक कर पंडाल को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि इस पंडाल को देखने के लिए, एक बार तो भाई रुक जरूर जा रहे हैं, इस पंडाल के नज़र तरफ नज़र जो है जरूर घुमा ले रहे हैं। देखिए तो हम आप सभी को यहाँ पर लाइव दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, यहाँ पर आने के बाद जो लुक है वो कुछ अलग ही दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, बच्चे लोग हैं जो भीड़ लगा हुआ है, बच्चे लोग से भी हम लोग जो है बात करेंगे। फिलहाल चलिए अंदर चलते हैं और पंडाल के अंदर का व्यू दिखाते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग जो है पंडाल के और करीब जाते हैं और पंडाल के और करीब जाकर हम जो है आप सभी को और पंडाल का जो है व्यू दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए अभी जो काम है अभी यहाँ पे चल ही रहा है, कल जो है सप्तमी है तो सप्तमी के दिन जो है यहाँ पे मुख जो कारीगर जो है ऊपर जो है काम कर रहे हैं। यहाँ पर अभी भी जो है काम जो है पूरे पंडाल का जो है फिनिशिंग नहीं हुआ है, अभी फिनिशिंग अभी हो ही रहा है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है बुलडोजर वगैरह जेसीबी से भी जो भी है सामान वामान जो है ऊपर लगाया जा रहा है। अब काफ़ी भैया जी सुंदर लग रहा है, कैमरा में इस चीज़ को जो है हम रिव्यू मेरा उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पा रहा है जो चीज़ यहाँ पर आँख के सामने से जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त हम हैं अभी पटना के इतवारपुर में और ये सभी लोग जैसा कि बता रहे हैं कि पूरे बिहार का सबसे ऊँचा पंडाल है ये पटना के इतवारपुर में, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो यहाँ से बगल से आप लोग लुक चेकआउट करो, यहाँ पर भी जो है बांस वगैरह जो है लगा हुआ है और स्कैनर वगैरह है, आप लोग को कुछ भी सहयोग राशि अगर करना होगा तो कर सकते हो। देखिए डिजिटल दान करें, और अब वो पुराना सिस्टम नहीं रहा, नया सिस्टम आ चुका है, डिजिटल दान करें, सहयोग राशि करते रहें। और बाकी लोग जो है यहाँ पर ये देखिए इधर बगल में जो भी है अपना सभी बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, जो भी काम वगैरह है फिनिशिंग नहीं हुआ है उसको फिनिशिंग वगैरह करवा रहे हैं। बाकी लोग जो है वहाँ से पुल के नीचे से जो है देख रहे हैं, और बच्चे लोग भी हैं यहाँ पर देखिए, इस उस साइड जो है बड़ा सा डीजे लगाया हुआ है, दूसरा डीजे उस साइड लगाया हुआ है, बाकी का डीजे वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब फुल व्यवस्था जो है यहाँ पर किया हुआ है। सामने देखिए एक ब्रिज है, जिस ब्रिज के ऊपर देखिए बड़ा सा वहाँ पे साउंड बॉक्स भी लगाया हुआ है, जो कि गाना वगैरह अगर बजेगा तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। और लाइट का भी व्यवस्था देखिए दोस्तों ऊपर में काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो किया गया है, ताकि रात के समय में जो है किसी भी तरह का कोई भी परेशानी यहाँ पर आप सभी को हमें देखने को ना मिले और अच्छे तरीके से जो है इस पंडाल पे जो है फोकस कर सके लाइट। और जितने भी कारीगर जो है यहाँ पर अभी काम लगातार कर ही रहे हैं और काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर लोग भी आए हुए हैं, न्यूज़ 18 बिहार से आए हुए हैं, यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही है मैम, और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। साइड में पंडाल वगैरह का भी जो काम है वो चल रहा है, और अभी बहुत ऐसे काम है जो अभी आज कैसे भी करके इसको फिनिशिंग कर दिया जाएगा। कल शाम से जो है लोग आना यहाँ पर, अभी से ही वैसे स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन कल शाम से जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है आप सभी को भीड़ देखने को मिलने वाला है। ये यहाँ पे थोड़ा पब्लिक लोगों से पूछते हैं कि उनको यहाँ का जो पंडाल है वो कैसा लगता है कैसा नहीं। अंकल बताइए, यहाँ का पंडाल आपको कैसा लग रहा है देखने ठीक में? ठीक है। कहाँ से आए हैं देखने के लिए? मसौरी से। मसौरी से सिर्फ पंडाल को देखने के लिए आएंगे, यहाँ पे कुछ काम वगैरह भी कर रहे हैं? डेरा है। डेरा है, हाँ। तो चलिए और यहाँ पे लोगों से बात करते हैं। अंकल कैसा लग रहा है यहाँ का पंडाल ही बताइए? पंडाल बढ़िया है, देखने में कैसा लग रहा है? ठीक रहा। बिहार का सबसे ऊँचा पंडाल है, सबसे बिहार से क्या कहना चाहिएगा? ठीक है। छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ पे, छोटू क्या तुम लोग बोलना चाहोगे, कैसा लग रहा है पंडाल बताओ? एक नंबर है। एक नंबर है। तो दोस्तों बच्चे लोग को भी पंडाल जो है काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। छोटू तुम बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पे पंडाल? बहुत अच्छा है, एक नंबर बढ़िया लग रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर और जो जितने यहाँ पे पब्लिक लोग हैं, काफी देखिए यहाँ पे लोग जो है बैठे हुए हैं, बूढ़े बुजुर्ग अंकल लोग भी हैं। तो चलिए सब इससे थोड़ा बहुत हम लोग जो है पूछेंगे कि यहाँ का जो पंडाल है, जो कि बिहार का सबसे ऊंचा पंडाल यहाँ पर जो है बनाया गया है, तो कैसा लग रहा है? अंकल यहाँ बिहार का सबसे ऊंचा पंडाल यहाँ पे बनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? सगरों से फाइन है, सगरों से बढ़िया है। यहाँ परो साल बढ़िया है, परो साल बढ़िया है, इस साल बढ़िया है, हाँ। यहाँ पर हर साल बिहार का सबसे ऊंचा पंडाल बनता है जी, बढ़िया लग रहा है ना जी, हाँ। तो दोस्तों और भी यहाँ पे अंकल हो गए, कैसा लग रहा है अंकल बिहार का सबसे ऊंचा पंडाल है?
सबसे बढ़िया लग रहा है। बढ़िया, कहाँ से आए हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर? हम तो यह है रहने वाला है। यही के रहने वाले हैं। काफी दूर दूर से जो दोस्तों जो लोग हैं वो आए हुए हैं, थोड़ा कैमरा इधर दिखाओ, देखिए बच्चे लोग हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर काफी देरी से जो है भीड़ लगाए हुए हैं और देख रहे हैं यहाँ से, मतलब कोई जा नहीं रहा, किन्हीं का नजर जो है इस पंडाल से जो है हट नहीं रहा है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और बना रहे हैं वीडियो। अगर हाइट का बात करूँ तो 115 फीट इस पंडाल का हाइट है, जो कि इसीलिए कहा जा रहा है बिहार का सबसे ऊंचा पंडाल है पटना के इतवारपुर में, और द्वारिका दिस ये है द्वारिका। इसको बनाने में आखिर कितना लागत लगा हुआ है हम आप सभी को बताते हैं। टोटल 30 से लेकर 35 लाख रुपए के बीच में जो है इसको बनाने में अभी खर्च हो चुके हैं। सोचो दोस्तों, 1 लाख नहीं 2 लाख नहीं 30 से 32 से 35 लाख रुपए जो है इसको बनाने में खर्च हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर और भी काफ़ी सारे यहाँ पर जो लोग हैं इनसे हम लोग बातें करेंगे, यहाँ पर इस चीज़ को जो है बना रहे हैं देख रहे हैं, और तो चलिए इनसे हम लोग थोड़ा बातें करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे भाई लोग जो है बैठे हुए हैं। अंकल कैसा लग रहा है यहाँ पर ये जो इतने बड़ा जो पंडाल बन रहा है? द्वारका दिस है जी, गुजरात का बना हुआ। इसको बनाने में टोटल कितना लागत लग चुका है अभी तक? 32 से 35 लाख रुपए। 32 से 35 चाहिएगा भैया, बताइए कुछ इस पंडाल के बारे में, कैसा लग रहा है आप लोग तो यहाँ पर जो है मैनेज वगैरह कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, कोई भी हो यहाँ का आए पंडाल इतवारपुर में आकर देखे जी। 30 से 32 लाख रुपए जो है खर्च हो चुके हैं, और काफी हमको लगता है भारी मात्रा में जो है लोग जो है राशि जो दान किए हैं। और डिजिटल पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।